इस पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती को देखो, जादूगर कुछ बनाने वाला है। लेकिन आदमी पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती धारण कर रहा है। बेकाबू ऊर्जा, राख में पिघल जाता है और हवा के साथ उड़ जाता है। मर्लिन ने बची हुई राख को देखा, लेकिन उन्होंने फिर भी वहां जाने का फैसला किया। इस अंतहीन मरुस्थल में यदि पवित्र कब्र का जल पीना संभव नहीं है, उसे तो मरना ही था। कांपते हुए उसने प्याला उठाया। सौभाग्य से इस बार कुछ भी असामान्य नहीं है। जब उसने प्याले से पानी पिया तो उसकी किस्मत पूरी तरह बदल गई। उसने सोचा कि यह भगवान का उपहार है, लेकिन आने वाले समय में यह शक्ति एक अभिशाप साबित होगी। पहले यह स्थान बंजर रेगिस्तान था और पल भर में घास हरी हो गई। एक उष्णकटिबंधीय जंगल में बदलो, पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती उसे असाधारण शक्ति प्रदान करती है, लेकिन इसने उन्हें लंबी उम्र भी दी। मर्लिन ने 500 वर्षों तक मृतकों को बचाया और घायलों को चंगा किया। वह सबके प्रिय हैं। जब तक एमा दिखाई नहीं दी, मर्लिन में भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता है। इससे वह बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई, तो उसने उससे बात की। जैसा कि यह पता चला है, उसके गांव पर वोटिगन द्वारा आक्रमण किया गया है। वह अकेली थी जो बच निकली और यहां खो गई। एमा की उपस्थिति मर्लिन के उबाऊ और बेसवाद जीवन को एक नए पृष्ठ पर ले जाती है। ऐसे में दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इसने मर्लिन को दयनीय बना दिया। यही वह समस्या थी जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। उसे अपने प्रेमी को बूढ़ा होते देखना था, स्वयं असहाय है। एम्मा ने प्याले से भी पीने की पेशकश की। इस तरह वे हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं, लेकिन मर्लिन जानती थी कि इससे केवल दर्द ही होगा। वह नहीं चाहता था कि उसके प्रेमी को यह सब सहना पड़े, इसलिए उसने प्रोमेथियस को खोजने का फैसला किया। सता को काटने के लिए पवित्र कब्र को तलवार में ढालें। इस तरह आप एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। एक छिपे हुए कोने में कोई सुन रहा था। जल्द ही उन्होंने प्रोमेथियस फ्लेम की खोज शुरू कर दी। वे एम्मा के गृहनगर से गुजरते हैं। उसने सफेद हड्डियों के ढेर को देखा। एम्मा मुश्किल से अपना गुस्सा रोक पाई। उसने खुद को बहुत छोटा होने, गांव में लोगों की रक्षा करने में असमर्थ होने के लिए दोषी ठहराया। यह देखकर कि एम्मा अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रही थी, मर्लिन ने जल्दी से उसे दिलासा दिया। मर्लिन ने पाया कि पानी के कई गिलास जमीन पर गिर रहे थे। उन्हें पता है, शायद वोटिगन भी पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती की खोज कर रहे थे। मर्लिन ने क्षमता का इस्तेमाल किया। उसने वोटिगन को पास में देखा और यहाँ चला गया। उसने एम्मा को उसके साथ जाने के लिए कहा, लेकिन एम्मा ऐसा करने को राजी नहीं हुई। वोटिगन सिर्फ एक नश्वर है, जबकि मर्लिन दाना है। आप उन सबको नष्ट कर सकते हैं। मर्लिन ने कहा कि अगर वह लोगों को मारने के लिए जादू का इस्तेमाल करता है तो उसके दिल पर अंधेरा छा जाएगा। एम्मा को समझ नहीं आया। न चाहते हुए भी उसने विरोध नहीं किया। कई चक्कर लगाने के बाद उन्हें आखिरकार प्रोमेथियस की आग मिल गई। मर्लिन ने तलवार राजा में पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती बनाई। एक महत्वपूर्ण क्षण में वोटिगन ने एम्मा को बंधक बना लिया, उसे तलवार राजा को सौंपने के लिए मजबूर किया। मर्लिन ने उसे चेतावनी दी, तलवार दुर्भाग्य लाएगी। इस समय एम्मा ने अचानक गुस्से में विरोध किया। उसने वोटिगन का मुखौटा उतार दिया। वोटिगन ने एक बार एम्मा को चाकू मार दिया। अपने प्रेमी को मरता देख मर्लिन व्याकुल हो गई, लेकिन मर्लिन के अभी भी सही विचार थे। उसने उसे सलाह दी कि वह हत्या करना छोड़ दे, लेकिन फिर एम्मा ने अचानक वोटिगन का दिल निकाल लिया। मर्लिन को विश्वास नहीं हो रहा था। यह पता चला है कि जब मर्लिन ने अनुरेखन मंत्र का इस्तेमाल किया तो एम्मा ने पवित्र कब्र से पानी पिया, और मर्लिन को किसी प्रियजन को खोने का दर्द चखने दें। उसने वोटिगन को मारने दिया, लेकिन मर्लिन ने उसे बहुत दुखी किया, यहाँ तक कि उसे वोटिगन को बख्शने के लिए भी कहा। कृपया उसे मार डालो, क्या वह क्षमा के योग्य है? यदि आप लोगों को मारते हैं तो जादू अंधेरे में बदल जाएगा। मैं अपराध करूंगा। उसने मेरे परिवार को मार डाला, मेरे पूरे गांव को मार डाला। उसने मर्लिन के सामने वोटिगन का दिल तोड़ दिया। वोटिगन की मृत्यु के साथ मर्लिन को जिस चीज की परवाह थी वह आखिरकार हुई। एम्मा की विपरीत प्रतिक्रिया थी। अंधकार की पहली पीढ़ी का जन्म हुआ। उससे राजा की तलवार भी टूट गई। एम्मा वहां से चली गई। राजा की तलवार की सुरक्षा के लिए मर्लिन ने इसे एक पत्थर में सील कर दिया। उसने एक मंत्र खोजा। तलवार की नोक को अंधेरे के खंजर में ढालें और उसमें एम्मा की आत्मा को चूसें। खंजर अंधेरे की ताकतों को नियंत्रित कर सकता है। मर्लिन के आह्वान पर अंधेरे की ताकतें इकट्ठी हो गई हैं। वह उसे मार डालना चाहता था, लेकिन प्रेमी शैतान बन गया। निर्णायक क्षण में वह अभी भी एक कदम नहीं उठा सका। एम्मा ने मर्लिन को अपने काले जादू से सील कर दिया। उसे पेड़ बना दो। सालों बाद आर्थर पेड़ के नीचे आया। मर्लिन की भविष्यवाणी प्राप्त की। कहो चट्टान में तलवार खींचो और कैमलॉट के राज्य को एकजुट करो। राजा आर्थर बने।
लड़का उन बातों पर विश्वास करता है और गाइनबरी से वादा किया उसे कैमलॉट की रानी बना देंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया आर्थर बड़ा होता गया। उसने अंततः भविष्यवाणी के अनुसार तलवार को चट्टान में पाया, लेकिन कोई पहले आया। उस आदमी ने राजा की तलवार पकड़ ली, लेकिन उस आदमी की विपरीत प्रतिक्रिया हुई। सभी की शंकालु आंखों के सामने वह राख के ढेर में फट गया। हालांकि आर्थर डरे नहीं, मर्लिन ने उन्हें विश्वास दिलाया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तलवार राजा एक टूटी हुई तलवार है और कैसे कैमलॉट के लोगों को अपने अधीन करना है। हताश होकर उसने राजा की तलवार म्यान में रख ली। कब लोग राजा की तलवार को देखें और मान्यता प्राप्त करें। राइनबरी कैमलॉट की रानी बनी, लेकिन टूटी हुई तलवार ने आर्थर को सोने में असमर्थ कर दिया। वह पुरानी किताबें पढ़ने लगा। अंत में उसे राजा की तलवार का आधा हिस्सा मिल गया। यह अंधेरे की ताकतों को धारण करता है। तलवार वापस पाने के जुनून के साथ उसने अपनी पत्नी की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। पत्नी कहती है कि आज उसका जन्मदिन है, आशा है कि वह उसके साथ हो सकता है। उसने फिर भी आंखें मूंद ली। उन्होंने अपनी नई खोज के बारे में खुद बात की, अपनी पत्नी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। इसलिए भी कि आर्थर ठंडे हैं, इसलिए गाइनबरी अपने रक्षक शूरवीर लांसलॉट के पास गई। उसने अपनी भावना व्यक्त की। वह इसे और सहन नहीं कर सका। आज उसे मर्लिन टावर में एक लोहे का गैनलेट मिला। यह बात खंजर की स्थिति निर्धारित कर सकती है। वह अपने पति को एक तरफ खींचने के लिए उस खंजर को ढूंढना चाहती थी, तो जल्दी से खंजर का ठिकाना मिल गया। स्टार्ट बटन दबाने के बाद डार्क बेसमेंट खुल गया, लेकिन अंदर ही अंदर लांसलॉट पर एक अज्ञात काले तरल ने हमला किया। निर्णायक क्षण में गाइनबरी आगे बढ़े। सौभाग्य से काला तरल आग से डरता था, इसलिए वे बच गए। दो लोगों ने अभी देखा, वे पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन यह अप्रत्याशित था। यह भी कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। सो दोनों ने इस बात को अपने हृदय में गाड़ लिया। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से अलग आयाम के लिए आयरन गैनलेट के निर्देशों का पालन किया। और यहाँ अंधेरे का खंजर है। जैसे ही वे इसे दूर ले जाने वाले थे, इसे एक रहस्यमय शक्ति ने उड़ा दिया और इस जगह ने एक आवाज की जिसने रंपस्किन के अंधेरे राक्षस का ध्यान आकर्षित किया। खंजर उसकी शक्ति का स्रोत था, उसे कैसे छीना जा सकता था। लेकिन मैजिक गैनलेट ने उनकी दिलचस्पी पकड़ ली, क्योंकि यह मर्लिन का दस्तूर है। यह चीजों का स्थान खोज सकता है, इसलिए उसने बदले में इसे निकाल लिया। उसने उनसे कहा, यह इबाड़ो द्वीप की जादुई रेत है, सिर्फ रगड़ने से कुछ भी ठीक हो सकता है। बेशक तलवार राजा भी शामिल है, हालांकि यह केवल नकली को पुनर्स्थापित कर सकता है, यह असली को नकली से अलग नहीं कर सकता है। लेकिन बदले में उन्हें मर्लिन के दस्तानों का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका पति उसकी देखभाल करे। गाइनबरी सहमत हो गई। आदान प्रदान के बाद लांसलॉट ने गाइनबरी को अलविदा कह दिया। मैं कैमलॉट छोड़ दूंगा, अब कोई परेशानी नहीं। अप्रत्याशित रूप से आर्थर ने उनके बीच सभी अंतरंग इशारों को देखा। गाइनबरी ने कहा कि उन्होंने और लांसलॉट ने अंधेरे बलों के तहखाने की खोज की थी। आर्थर को लगता है कि उन्हें खंजर मिल गया है, इसलिए उसने गाइनबरी का बैग छीन लिया, फिर जमकर तलाशी ली। गाइनबरी ने जादू की रेत के साथ तलवार राजा को बहाल करने के लिए तैयार किया, लेकिन जब उसने आर्थर को पागल होते देखा तो वह झिझकी। अंत में उसने जादू की रेत निकाली और आर्थर को सब कुछ कबूल कर लिया। उसे उम्मीद थी कि उसका पति इस विभाजित राज्य की देखभाल के लिए खुद को समर्पित कर देगा, टूटी तलवार को ठीक करने के बजाय। लेकिन आर्थर शैतान के वश में था, बस तलवार राजा को बहाल करना चाहते हैं। उसे लगता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वह आगे बढ़ा और जादू की रेत को पकड़ लिया और उसे सब दूर फेंक दिया। जादू की रेत के प्रभाव के कारण गाइनबरी का रवैया 180 डिग्री बदल गया। उसने तलवार राजा की बहाली की वकालत की। फिर आर्थर ने खिड़की से जादुई रेत छिड़क दी। कैमलॉट के जादुई साम्राज्य में भी भारी बदलाव आया। एक शानदार महल तुरंत छटता है, लेकिन आर्थर को खुशी नहीं हुई। उसने केवल तलवार राजा को बहाल करने के बारे में सोचा।